Limited. So today, yet another video on the frequent questions asked by the first time travelers. You must have seen, जब भी हम first time travel करते हैं तो हमारे mind में बहुत सारे questions होते हैं. You know, क्या मेरे को प्रिंट आउट लेके जाना है, मेरे पास कौन से IDs होने चाहिए, या घर का खाना, पानी की बॉटल, यू नो, लॉट ऑफ अदर questions. तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि चलो एयरपोर्ट चलते हैं, वहां जाके देखा जाएगा, किसी से पूछ लेंगे. सो वाई यू हैव टू ask anyone if you have already have that information prior to your travel. So today with our experience we have compiled few questions which are generally comes in everyone's mind jo bhi first time travelers hain. Okay, so let's start with it. Okay, so the first time air travel most frequently asked questions. My name is Vandika Lamba. I am a co-founder of Aircruise Aviation Private Limited. My email and my phone number is there. In case of any questions, comments, suggestions, you are very welcome to contact us. Okay, so come back to the topic, questions. Okay, suppose I am traveling tomorrow to Mumbai and I have never seen the airport. मुझे नहीं पता airport में कैसे करना है and I am quite nervous. मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है जो first time जब travel कर रहे होते हैं, they are quite nervous as well. But why that nervousness? Because you do not have the answers. आपको ये नहीं पता होता कि मुझे वहां जाके करना क्या है, मैं किससे पूछूंगा, अगर इस पूछा पूछाई में मेरी फ्लाइट मिस हो जाए, यू नो. सो लेट्स हैव जो क्वेश्चन हमने कंपाइल किए हैं, आई होप, वी होप कि ये क्वेश्चन आपके लिए नेक्स्ट टाइम जब भी आप ट्रेवल करें आपके लिए यूजफुल हो. सो The very first question, जो सबसे पहले हमारे आजकल कोविड पीरियड पे जो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है कि क्या ट्रैवल करने से पहले कोविड टेस्ट कराना जरूरी है या नहीं. सो अगर आप डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको कोविड टेस्ट कराने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं तो यस, फॉर इंटरनेशनल ट्रैवल इट इज मैंडेटरी कि आप अपना कोविड टेस्ट 48 आवर्स या 24 आवर्स के टाइमलाइन के विदिन आप अपना नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट आप लेकर ही जाएं. एंड प्लस मोर थिंग, आपको अपने आप को रजिस्टर कराना होता है एयर सुविधा ऐप पे. ओके, जिसकी मैंने यहाँ वेबसाइट लिखी है फॉर दिल्ली डिपार्चर्स, www.newdellyairport.in/covid19. ओके, सो इफ इन केस अगर आप डोमेस्टिक ट्रैवल कर रहे हैं आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप सीधा वहां जाके, क्योंकि एयरपोर्ट पे भी वहां पे कोविड टेस्टिंग सेंटर्स हैं, वहां पे आपकी टेस्टिंग होती है एंड यू कैन गो ऑन. बट सिंस आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं, आप किसी और कंट्री में जा रहे हैं, तो यहाँ से आपका डिपार्चर की कोविड की आपकी रिपोर्ट और आपका वहां जाके भी आपका वहां पे टेस्ट होता है. तो डोमेस्टिक के लिए कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ इंटरनेशनल जा रहे हैं तो अपना कोविड टेस्ट जरूर करवा के जाएं. सेकंड मेन क्वेश्चन, क्या मुझे मेरी टिकट का प्रिंट आउट लेके जाने की जरूरत है? तो इसका आंसर है नहीं. आपको जब भी आपको अपना जब भी आप एयरपोर्ट पे एंटर करते हैं, यस, आपको अपनी टिकट दिखानी जरूरी होती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आपके पास उसका प्रिंट आउट ही होना चाहिए. नहीं, प्रिंट आउट की जरूरत नहीं है. अगर आपके पास आपकी टिकट आपके फोन पे है, आपके टैब पे है, अगर आप उस पे दिखा सकते हैं, तो आप जो भी हमारे जो CISF ऑफिसर्स जो हमारी चेकिंग वगैरह करते हैं, अगर आप उसको उनमें भी दिखा सकते हैं, सो दैट इज ऑल्सो मोर देन इनफ. लेकिन बहुत लोगों का मिसकंसेप्शन होता है कि प्रिंट आउट ही लेके जाना है, तो ऐसा इट इज नॉट कंपल्सरी. ओके, नेक्स्ट, योर आईडी कार्ड. ओके, चाहे डोमेस्टिक जाएं चाहे इंटरनेशनल जाएं, यस, आईडी कार्ड्स के बिना आपकी एयरपोर्ट पे एंट्री होना असंभव है. ये बहुत जरूरी है कि आप अपना आईडी कार्ड जरूर लेके जाएं. और यहाँ पे ये सवाल भी आता है कि क्या मैं अपना आईडी कार्ड फोन पे दिखा सकता हूँ? तो नहीं, आपका आईडी कार्ड एक फिजिकल डॉक्यूमेंट है जो CISF ऑफिसर्स जो है जो चेक करते हैं आपकी आइडेंटिफिकेशन. So always, always, always carry domestic, international ID cards रखना बहुत जरूरी है. अब next बात आती है बच्चों की. Okay,
बच्चों के लिए आईडी कार्ड, हम लोग सोचते हैं कि बच्चे हैं, बच्चों का आईडी कार्ड क्या करना है यार, बच्चे हैं, मासूम से बच्चे हैं। नहीं, कोई भी इंसान एयरपोर्ट पे अगर ट्रैवल करता है, हर एक का आईडी कार्ड, ये उनकी ड्यूटी होती है। आप ये मत समझिएगा कि वो हमें क्यों, देखिए हम हमेशा अपनी तरफ से हम सेफ होते हैं, हम कहते हैं कि यार हम कोई आतंकवादी थोड़ी हैं, या हम कोई कोई हम अच्छे, हम तो इतनी अच्छी फैमिली से हैं। नहीं, ये एक उनकी ड्यूटी है। क्यों? फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पीपल एंड फॉर यू एज वेल। ओके, सो जी हाँ, बच्चों के लिए भी आपके आईडी कार्ड जरूरी है। अब बच्चों के तो आधार कार्ड जितनी इतनी छोटी उम्र में बनते नहीं है, तो आप उनके स्कूल के आईडीज जो होते हैं, जो उनका पास होता है, जो स्कूल का जो पास होता है, आप वो लेके जा सकते हैं। बच्चों में एक और बच्चे आते हैं इन्फेंट्स, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। इन्फेंट्स जो एक दो महीने के बच्चे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर एक व्यक्ति जो ट्रैवल करता है उसका आइडेंटिफिकेशन कार्ड बहुत जरूरी होता है। तो हाँ, अब उनके तो स्कूल आईडीज भी नहीं होंगे, तो उस केस में जो भी आपका बर्थ सर्टिफिकेट होता है, या अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट उस टाइम तक नहीं बना हुआ है, तो जो डिस्चार्ज स्लिप होती है हॉस्पिटल की, आप वो भी दिखा सकते हैं। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, चाहे बड़े हों, बुजुर्ग हों, बच्चे हों, या कोई नवजात शिशु हो, सबके आइडेंटिफिकेशन कार्ड होना बहुत जरूरी है। ओके, क्योंकि हमने बहुत बारी एयरपोर्ट्स पे देखा है कि पैसेंजर्स जल्दबाजी में आते हैं, अपना आईडी कार्ड छोड़ जाते हैं, जिनकी वजह से अल्टीमेटली दे हैव टू मिस देयर फ्लाइट, या फिर अपने तो ले आते हैं, बच्चों की नहीं ले आते। उस केस में फिर वो अपने रिश्तेदारों को फोन कर रहे होते हैं कि फैक्स करवा दो, ऑल दोस थिंग्स। सो टू अवॉइड ऑल दीज कम्प्लेक्सिटीज, यू हैव टू हैव योर आईडेंटिटी कार्ड फॉर ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ योर फैमिली। ओके, द नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं अपनी एयर टिकट कहाँ से बुक कराऊँ? ओके, सो टुडे टेक्नोलॉजी, आप सबसे बेस्ट तरीका तो यही होता है कि आप ऑनलाइन करा लीजिए। ऑनलाइन में यू गॉट टू सी लॉट ऑफ वेबसाइट्स, मेक माई ट्रिप इज देयर, yatra.com। वी आर नॉट एडवर्टाइजिंग एनी वेबसाइट्स, बट जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, देर आर लॉट ऑफ वेबसाइट्स विच आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। या अगर आपके आसपास कोई ट्रैवल एजेंसीज हो, उनसे करा सकते हैं, या फिर आप ना इंटरनेट से करा सकते हैं, ना आप किसी ट्रैवल एजेंसी के संपर्क में हैं, तो फिर येस, आप एयरपोर्ट पे जिस दिन आपकी ट्रैवलिंग है उस दिन भी आप करवा सकते हैं, लेकिन वो ज्यादातर एडवाइस नहीं की जाती। क्यों? क्योंकि एयरपोर्ट्स पे टिकट्स आपको जनरली एक्सपेंसिव मिलती हैं। सो इसलिए इट इज ऑलवेज एडवाइसेबल कि आप इंटरनेट से एज लो एज फेयर, यू कैन ऑलवेज पिक अप योर फेयर। हमेशा आप वेल ऑन टाइम अपनी टिकट परचेज करिए, सो दैट आपको लास्ट मिनट में महंगी टिकट का भुगतान ना करना पड़े। नेक्स्ट मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरी फ्लाइट इतने बजे है, मैं कितने बजे जाऊं? ओके, सो दीज आर दी काउंटर क्लोजर टाइमिंग्स जो हमने यहाँ पे लिखे हैं। आपकी जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स होती हैं, डोमेस्टिक मतलब इंडिया के अंदर अंदर जो आपकी डोमेस्टिक फ्लाइट्स होती हैं, वो 45 मिनट पहले, फ्लाइट के 45 मिनट पहले उनका काउंटर बंद हो जाता है, और इंटरनेशनल 60 मिनट मतलब 1 घंटा पहले उनके काउंटर बंद हो जाते हैं। बंद हो जाते हैं मतलब जब उनके काउंटर्स बंद हो जाते हैं, अगर उसके बाद आप पहुंचते हैं, वो आपको फ्लाइट पे चेक इन करने से दे हैव द फुल अथॉरिटी कि वो आपको मना कर सकते हैं। जस्ट फॉर द एग्जाम्पल आई टेल यू, फॉर एग्जाम्पल मेरी फ्लाइट दिल्ली से मुंबई की कल 2 बजे की फ्लाइट है, तो वो 1:15 बजे मतलब 45 मिनट पहले वहां के काउंटर बंद हो जाएंगे। तो मीन्स अगर मैं, मान लीजिए, अगर मैं 1:15 पे उनके काउंटर बंद हो गया, अगर मैं 1:20 पे भी जाती हूँ, हमारे लिए इज जस्ट 5 मिनट्स, बट एयरलाइंस के लिए 5 मिनट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि जब तक वो अपने काउंटर क्लोज नहीं करेंगे, उनकी आगे की फॉर्मेलिटीज शुरू नहीं होती हैं। इसीलिए अगर मैं 1:20 पे जा रही हूँ, तो वो मुझे मना कर देंगे और मेरी टिकट कैंसल्ड, या मैं रिफंड लूंगी, या मैं पोस्टपोन कराऊंगी। और अगर इंटरनेशनल मेरी फ्लाइट है, लेट्स से मैं कल लंदन जा रही हूँ, मेरी दोपहर की 2 बजे की फ्लाइट है, तो दोपहर के 1 बजे तक
मुझे किसी भी हाल में काउंटर पे होना ही होना है, 1 बजे के बाद वो मुझे मना कर देंगे, मुझे नहीं लेंगे। इसीलिए जनरली डोमेस्टिक फ्लाइट्स के लिए हमेशा बोला जाता है कि 2 घंटे पहले पहुंचिए, और इंटरनेशनल के लिए 3 घंटे पहले पहुंचिए। क्यों? क्योंकि 3 घंटे इसीलिए क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे आपको कस्टम्स, इमिग्रेशन, लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज आर देयर, इसीलिए 2 घंटे और 3 घंटे डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर आई कैन फाइंड माई एयरलाइन फॉर चेक इन। जैसे आप बड़े बड़े, आपने देखा होगा जब भी आप बड़े एयरपोर्ट्स पे जाते हैं, यू गेट जस्ट लॉस्ट, राइट? देर आर लॉट ऑफ एयरलाइंस, इतने सारे स्टाफ, सब कुछ। सो लेट्स से मैं स्पाइसजेट से ट्रेवल कर रही हूँ, मुझे नहीं पता, एंड आई डोंट हैव टाइम टू स्पीक टू एनीवन या कुछ, एंड यू वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट इनफ कि कहाँ है मेरे एयरलाइन के काउंटर्स। तो जैसे ये आप फोटो पे देख रहे हैं, इनको हम फिड्स कहते हैं, जिसको हम कहते हैं फ्लाइट इंफॉर्मेशन डिस्प्ले सिस्टम। जब भी आप एयरपोर्ट पे जाएं, आपके जैसे ही आप एयरपोर्ट पे एंटर करते हैं, यू विल गेट टू सी दीज काइंड ऑफ बिग स्क्रीन। आप यहाँ पे अपनी फ्लाइट चेक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्पाइसजेट, वहां पे आपके रोज लिखी होती हैं ए बी सी डी। सो लेट्स से स्पाइसजेट, स्पाइसजेट के आगे लिखा हुआ है रो नंबर डी, तो आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, स्पाइसजेट रो नंबर डी, आप सीधा रो नंबर डी पे जाएंगे, आपको अपनी एयरलाइन का अकाउंट पे दिखेगा, वहां जाके आप अपना चेक इन करवा सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर किसी के माइंड में आता है, इवन मेरे भी, जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ, कि मुझे लाउंज का खाना नहीं खाना या मुझे एयरपोर्ट का खाना नहीं खाना, तो क्या मैं घर का खाना लेके जा सकती हूँ? तो जी हाँ, आप अपना घर का खाना लेके जा सकते हैं, उसमें कोई पाबंदी नहीं होती है। लेकिन जो हमारी वाटर बॉटल्स होती हैं, बस उस चीज का ध्यान रखिए, क्योंकि वो लिक्विड आइटम्स में आता है, और 100 ml से ऊपर कोई भी चीज लिक्विड में ले जाना अलाउड नहीं है, बट घर का खाना यस यू कैन टेक। नेक्स्ट इज माई बैगेज अलाउंस। जैसे हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं, हमारी टिकट पे हमारा जो बैगेज अलाउंस होता है उसमें हम जनरली कंफ्यूज होते हैं। जैसे सपोज करिए, मैं और मेरी फैमिली ट्रैवल कर रही है, मेरा बैगेज अलाउंस 15 किलो है, तो 15 × 4, ओके, मींस 60 kgs। सो बेसिकली 60 kgs टोटल हम लेके जा सकते हैं। सो 15 किलो पर पर्सन। इफ इन केस आप 4 लोग हैं और आपका सामान 60 से ऊपर जा रहा है, तो यस आपको पे करना पड़ेगा जो भी उनके एक्सेस बैगेज चार्जेस होते हैं। लेकिन लेट्स से 60 तक आप अलाउड हैं, आपके पास सिर्फ 2 बैगेज हैं, लेट्स से 20 किलो का सिर्फ एक बैग है, तो जी हाँ आप लेके जा सकते हैं। 15 किलो का मतलब ये नहीं है कि एक बैग के अंदर 15 किलो होना चाहिए, नहीं, आपका एक बैग, एक सूटकेस, अगर 4 लोग हैं, क्योंकि आपका जो अलाउंस है वो 15 kgs का है, विच इज इंटू 4 इज 60 kgs। सो 60 kgs तो आपको एयरलाइन ने बोला हुआ है कि आप इतना लेके जा सकते हो। इसका मतलब ये नहीं है कि 15 किलो का एक बैग होना चाहिए, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप 4 लोग हैं, लेट्स से आप 20 20 किलो के 2 बैग भी बना सकते हैं, विच इज यू आर स्टिल अंडर द लिमिट। सो 20 20 किलो, 40 किलो के आप 2 बैग भी लेके जा सकते हैं। ओके, बट जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, एयरलाइंस में आप 32 kgs के ऊपर का बैग अलाउ नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट बैग, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि मेरा हैंड बैगेज कितना होना चाहिए। हैंड बैगेज आपका जनरली जो एयरलाइंस आपको अलाउ करती है, वो 7 से 8 kgs का आपको अलाउ करती है, वेदर इट इज डोमेस्टिक और वेदर इट इज इंटरनेशनल। तो मेक श्योर कि आपका जो हैंड बैगेज है वो ज्यादा हैवी ना हो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ही परेशानी होगी उसको पूरा कैरी करने में। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि फ्लाइट्स में जो ओवरहेड कंपार्टमेंट्स होते हैं उसमें भी इतनी स्पेस नहीं होती है। सो दैट इज व्हाई इट इज जनरली एडवाइज टू आपका 7 से 8 किलो का बैग यू कैन कैरी। ऑब्वियसली अगर ज्यादा होगा तो दे विल द एयरलाइन विल नॉट चार्ज दे यस द एयरलाइन विल चार्ज फॉर द एक्सेस बैगेज, बट डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑल्सो दे कैन इवन स्टॉप यू कि सर ये इतना बड़ा बैग तो हैंड बैग में जा ही नहीं सकता, आप रखेंगे कहाँ इस बैग को। तो फिर अल्टीमेटली अगर आप इतना सामान ठूस लेंगे अपने बैग के अंदर, तो अल्टीमेटली वो हैंड बैग नहीं रहेगा, वो हैंड बैग आपका चेक इन बैग हो जाएगा। ओके, सो कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल एंड लाइट।
नेक्स्ट इज मैं दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कि मैं अपने हैंडबैग में क्या क्या लेके जा सकता हूँ. सो दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आई हैव समड अप है, जो आप अपने हैंड बैगेज में बिल्कुल नहीं लेके जा सकते हैं. अल्टीमेटली यू विल बी इन ट्रबल थ्रोइंग इट, यू नो. सो प्लीज मेक श्योर वट आर दीज थिंग्स. पावर बैंक्स प्लीज डू नॉट कैरी. इनफैक्ट पावर बैंक्स तो आप चेक इन में भी नहीं लेके जा सकते, क्योंकि उसमें इट हैज, क्योंकि पावर बैंक्स में क्या होता है, वी हैव रिसेंट केसेस वेयर इट हैज कॉट फायर. तो तब से पावर बैंक्स, चाहे वो हैंड बैग हो चाहे वो चेक इन बैग हो, उसमें ले जाना अब बंद हो चुके हैं. सो पावर बैंक्स आप नहीं लेके जा सकते. सीजर्स, नाइफ, मैच बॉक्स, सिगरेट लाइटर्स, बिकॉज जो लाइटर्स के अंदर जो लिक्विड होता है वो फ्लेमेबल होता है, इसलिए सिगरेट लाइटर्स ले जाना मना होता है. ट्वीजर्स, नेल कटर्स, एनी काइंड ऑफ ब्लेड्स, लिक्विड आइटम्स 100 ml से ऊपर अगर आपके पास कोई लिक्विड आइटम है वो, कोई बैटरीज, सेफ्टी पिन्स, बेसिकली कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट्स आप अपने हैंड बैगेज में नहीं लेके जा सकते. सो इसको प्लीज ध्यान रखिएगा. अगर नेक्स्ट टाइम जब भी आप ट्रैवल करें, आपके पास छोटे बच्चे हो एंड यू वांट अ स्मूथ ट्रैवल, सो प्लीज मेक श्योर कि आपके हैंड बैग्स में ये सब चीजें ना हो. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या मैं लिक्विड फ्लाइट में लेके जा सकता हूँ? आपने देखा होगा कि जब भी हम इंटरनेशनल फ्लाइट से ट्रैवल करते हैं, इंटरनेशनल फ्लाइट से ट्रैवल करने के बाद आपके पास ड्यूटी फ्री शॉप्स होती हैं. तो ड्यूटी फ्री शॉप से खरीदी हुई कोई भी लिकर अगर आप लेके जा सकते हैं, जी हाँ, वो आप फ्लाइट पे लेके जा सकते हैं, वो वाली लिकर जो आप ड्यूटी फ्री से एयरपोर्ट पे खरीदते हैं. ओके, सो दैट शुड बी सील्ड, तो दैट इज अलाउड टू टेक इन योर फ्लाइट. मैं अपनी सीट्स अपनी फैमिली के साथ इकट्ठे कैसे बुक करूं? क्योंकि ये हमने बहुत, एज एन एयरलाइन स्टाफ, हमने बहुत देखा है कि छः छः की फैमिली है, चार की फैमिली है, उन्होंने अपनी पहली सीट्स नहीं रिजर्व करवा रखी हैं. और एयरपोर्ट्स पे जनरली क्या होता है, इट इज ऑलवेज ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस. ओके, सो लेट्स से आप फ्लाइट के जिस भी टाइम पे आ रहे हैं, जरूरी नहीं है कि आप शुरू में आ रहे हैं या ठीक टाइम पे आ रहे हैं या लेट आ रहे हैं, जनरली जो विंडो सीट्स होती हैं वो ज्यादातर मांगी जाती हैं, तो हम किसी को डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि एयरपोर्ट पे हमारे पास इट इज ऑलवेज लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस. तो जो हमारे पास आते हैं वी हैव टू एंटरटेन एवरीवन्स रिक्वेस्ट. सो इसीलिए जो लोग फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं, जो छोटे बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं, उनके लिए बहुत जरूरी होता है कि वो अपनी सीट्स एयरपोर्ट पे आने से पहले ही रिजर्व कराएं. कैसे करवा सकते हैं? आप ऑनलाइन करवा सकते हैं, या फिर आप एयरलाइन के कॉल सेंटर में कॉल करके भी आप अपनी सीट्स बुक करवा सकते हैं, बिकॉज सो दैट एयरपोर्ट पे ऐसे चांसेस ना हो कि आप बच्चे अलग बैठे हैं, आप अलग बैठे हैं. सो टू अवॉइड दीज सर्कमस्टेंसेस, ऑलवेज बुक योर टिकट्स वेल इन एडवांस. और अब तो इतनी फैसिलिटीज एयरलाइंस दे चुकी हैं, आप वेब चेक इन का, आप चेक इन भी करवा सकते हैं, जिसको हम वेब चेक इन कहते हैं. आप टेली चेक इन करवा सकते हैं, कॉल सेंटर को बोल के आप टेली चेक इन भी करा सकते हैं. मीन्स दो सीट्स आर रिजर्व फॉर यू, फिक्स्ड फॉर यू. ओके, लेट्स से आपके साथ आपके माँ बाप जा रहे हैं, बुजुर्ग हैं, और आपको व्हील चेयर फैसिलिटी चाहिए, तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि आपको पहले से एयरलाइन के साथ बुकिंग करवाने की जरूरत है, क्योंकि व्हीलचेयर एक ऐसी फैसिलिटी है जो सारे एयरपोर्ट्स पे फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है. तो इफ इन केस आपके पास बुजुर्ग है, और अगर आप भूल गए हैं किसी एयरलाइन को कॉल करके बुक करवाना कि मेरे साथ मेरे पेरेंट्स जा रहे हैं जो कि बुजुर्ग हैं, उनको व्हीलचेयर की जरूरत है, तो घबराइए नहीं. आप एयरपोर्ट पे जब भी आप जाएं, आप जो भी आपकी चेकिंग स्टाफ हैं, आप उनसे रिक्वेस्ट करके आप उनसे भी व्हीलचेयर ले सकते हैं. लेकिन अगर आप प्रायर करवाएं तो यस, ऑलवेज गुड. बट इवन इफ केस नहीं भी करवाते, तो दी एयरलाइंस कैन नॉट डिनाई यू टू गिव यू दी व्हीलचेयर सर्विस फॉर दी सीनियर सिटीजन्स. ओके, नेक्स्ट. हमें जब भी हम फ्लाइट पे जाते हैं, हमें क्यों बोला जाता है कि अपने मोबाइल फोन्स बंद कर दीजिए? एंड ये हर एक अच्छे नागरिक की एक सिग्नल होता है कि बिना कैप्टन के या क्रू के बताए हम अपने फोन्स बंद करें, बिना ही उनके निर्देशों के अनुसार, बिकॉज
जो हमारे फोन से जो रेडिएशंस निकलती हैं वो आपकी फ्लाइट मॉनिटरिंग को इफेक्ट कर सकती हैं। ये हमारी ही सेफ्टी के लिए होता है कि हम अपने मोबाइल फोन फ्लाइट मोड या एयरप्लेन मोड पे रखें फॉर द सेफ्टी ऑफ अस ओनली। ओके ओके मुझे जो मैं जो हम अपने चेक इन बैग्स जब हम चेक इन करवाते हैं जब हम अपने चेक इन बैग्स देते हैं हमें कहाँ मिलते हैं? हमें हमारे चेक इन बैगेज जहाँ हम जा रहे होते हैं वहां मिलते हैं, मींस अराइवल्स पे। मींस मैं अगर दिल्ली बॉम्बे जा रही हूँ तो जो मैंने अपना सामान एयरलाइन को दिया है एज अ चेक इन बैगेज वो मुझे मुंबई में जब एयरक्राफ्ट उतरेगा मुंबई में अंदर जो टर्मिनल बिल्डिंग होती है वहां पे अराइवल बेल्ट्स जो होती हैं वहां पे जाके मुझे मेरा चेक इन बैग मिलेगा। एंड थैंक यू एंड आई होप ये बेसिक क्वेश्चंस जो हमने समड अप करे हैं ये आपके लिए नेक्स्ट टाइम जब भी आप ट्रैवल करें आपके लिए फायदेमंद हो। अगर आपके पास कुछ और कमेंट्स या क्वेश्चंस या कुछ हैं तो प्लीज हमारे कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखें सो दैट इन द नेक्स्ट वीडियो वी कैन आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच।